हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। और गाइज, आज मैं आ रखा हूं यहां ऋषिकेश में। बहुत ही प्राचीन मंदिर है गाइज, और बहुत ही पवित्र मंदिर है, वीरभद्र का मंदिर है गाइज। तो यहाँ के मैं आज आपको दर्शन कराना चाहता हूँ, और यहाँ की जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा गाइज। तो बने रहिए मेरे साथ, और चलिए चलते हैं गाइस। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, यही है ये जो सामने है मंदिर गाइस, यही है वीरभद्र मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है गाइस, और यहाँ पे मालेश्वरी माता का मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये मालेश्वरी माता का मंदिर है। तो यहाँ भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा गाइस। पहले हम अंदर चलते हैं वीरभद्र मंदिर में, और वहां जाके दर्शन करते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस, मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें हैं, तो आप यहां से प्रसाद ले सकते हैं। यह वीरभद्र महादेव मंदिर हमारे हिंदू धर्म का बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का वर्णन प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस मंदिर के बारे में कथा यह है कि जब राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्रगण को प्रकट किया था, और वीरभद्र को ये आदेश दिया था कि जाओ और राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके आओ, तो वीरभद्र यहाँ से चले और हरिद्वार के कनखल में स्थित राजा दक्ष का जो मंदिर है, वहाँ पर राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था, तो उसको वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया, और उसके बाद वो वापस यहाँ आए, और भोलेनाथ और वीरभद्र दोनों गले मिलकर इसी मंदिर के अंदर जहाँ शिवलिंग है वहाँ पिंडी के रूप में समा गए, और तब से इस मंदिर का नाम वीरभद्र महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि यह शिवलिंग दो भागों में विभाजित है। एक तरफ का 60% हिस्सा महादेव है, और दूसरी तरफ का 40% हिस्सा वीरभद्र है। तो चलिए दोस्तों, अंदर जाकर हम शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं। पंडित दोस्तों, ये वही शिवलिंग है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ और वीरभद्र की पूजा एक ही शिवलिंग में की जाती है। हर हर महादेव। सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ भाड़ रहती है, और अत्यधिक मात्रा में यहाँ जाप चलते हैं और यज्ञ चलते हैं।
शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है वह इस मंदिर में जरूर आए, इस मंदिर में आने से क्रोध शांत हो जाता है। मंदिर के बारे में यह मान्यता भी है कि इस मंदिर में केवल वही व्यक्ति आता है जिसको भगवान शिव खुद बुलाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का भी बहुत खूबसूरत मंदिर है, तो मैं आपको यहाँ के भी दर्शन कराता हूँ गाइस। जय बजरंगबली। इस मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल वृक्ष है और उस पीपल वृक्ष के बीचों बीच विशालकाय शिवलिंग स्थापित की हुई है गाइज, तो हम वहाँ भी चलते हैं और वहाँ के भी दर्शन करते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है गाइज वो बिल्डिंग है, वो एम्स हॉस्पिटल है वो, और हॉस्पिटल के जस्ट पास में ही है वीरभद्र मंदिर। तो ये आप देख सकते हैं गाइज, ये वही पीपल वृक्ष है जिसके बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है, तो हम वहाँ चलते हैं और वहाँ के भी दर्शन करते हैं। जब भी आप वीरभद्र महादेव मंदिर में आएँ तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूले गाइज। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत आनंद महसूस होगा। वीरभद्र का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही इसका
ऐतिहासिक महत्व भी है। सन 1973 में इस जगह की खुदाई की गई थी, जिससे यह पता लगा कि यह मंदिर 100 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी में भी था। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक वीरभद्र नामक नगर हुआ करता था। अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए मुंड मालेश्वरी माता के मंदिर में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14 मुंडकारों की मालाएं बनी हुई हैं। अधिक प्रचार प्रसार ना होने की वजह से तीर्थयात्री इस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जब भी आप ऋषिकेश जाएं तो यहाँ वीरभद्र मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव और भैरव का स्वरूप है वीरभद्र, और भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है वीरभद्र को। तो आज के लिए इतना ही गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि नई नई जानकारी आपके पास पहुँचती रहे। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूँगा गाइज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवल, बाय।